जोहार साथियों, 9 अक्टूबर को सन 1857 क्रांति के कंवर विद्रोही शहीद वीर सीताराम कंवर जी का शहादत दिवस है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस दिन शहीद वीर सीताराम कंवर जी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। कंवर आदिवासी समुदाय इन्हें अपने पुरखा देवों के रूप में याद करता है। तो आइए जानते हैं कंवर विद्रोही शहीद वीर सीताराम कंवर जी के बारे में। यह कहानी अंग्रेजों ने वीर सीताराम कंवर जी के बारे में लिखा है। चूंकि अंग्रेजों और उनके सहयोगी राजाओं के लिए वीर कंवर जी दुश्मन थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोही कहकर संबोधित किया है। पर यही विद्रोही शब्द आज हमारे लिए पूजनीय शब्द है, क्योंकि इसी ने हमें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1857 क्रांति के कंवर विद्रोही वीर सीताराम कंवर। शहादत शनिवार 9 अक्टूबर सन 1858। शहादत का स्थान मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है। इस बालाघाट जिले के बीजागढ़ के समीप बंदगांव रण क्षेत्र में है। युक्त कंवर जनजाति की मुख्य आबादी प्राचीन कंवरान क्षेत्र, जिसमें मध्य उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, पूर्वी महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल है, में निवास करती है। मध्य प्रदेश में कंवर लोगों की आबादी ज्यादातर शहडोल, बड़वानी इत्यादि क्षेत्रों में है। निमाड़ क्षेत्र यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें कि बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन इत्यादि जिले आते हैं, इस क्षेत्र में कंवर जनजाति के लोग भी रहते हैं। कंवर जनजाति अन्य परंपरागत आदिवासियों की तरह दिखते हैं और उनमें जनजातीय तत्व मौजूद है। कंवर आदिवासी ज्यादा आकर्षक, शांत और समझदार होने के साथ उग्र भी माना जाता है। उनके प्रमुख शस्त्र फरसा, भाला, तीर कमान, दुधारी तलवार इत्यादि रहे हैं। सन 1857 के विप्लव क्रांति के समय बड़वानी रियासत में पहले दो स्वतंत्रता सेनानी श्री खाजे नायक और श्री भीमा नायक सक्रिय रहे। ये दोनों अंग्रेजी शासन के लिए सरदर्द बने रहे। उनके दमन के बाद बड़वानी रियासत के इलाके में कंवर भी विद्रोह की ओर बढ़े और जल्द ही वीर सीताराम कंवर ने अपनी सक्रियता से होलकर प्रशासन और अंग्रेजी प्रशासन को परेशान कर डाला। कंवर आदिवासी समुदाय के कई व्यक्तियों को होलकर दरबार ने मंडलोई नियुक्त कर रखा था और उन्हें जमींदारी के अधिकार दिए गए थे, जिसमें राजस्व वसूल करने और सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त करने का भी अधिकार शामिल था। इससे कंवर आदिवासी समुदाय की योग्यता और सक्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। सितंबर सन 1858 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के इलाकों में और बड़वानी रियासत में गंभीर विद्रोह शुरू हो गया। इस इलाके में वीर सीताराम कंवर जी ने होलकर के सवारों, सिपाहियों आदि को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया था और अनेक भील और भिलाला आदिवासी भी उनके गिरोह में शामिल हो गए। इनके दल में एक मुख्य व्यक्ति रघुनाथ सिंह मंडलोई भी थे, जो खुद भी भिलाला आदिवासी थे और बरुद, खरगोन जिले के रहने वाले थे। सतपुड़ा रेंज के भील आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए कंवर जी ने काफी उकसाया और वे भी विद्रोह में शामिल हो गए। कुछ अन्य लोग पेशवा के रुख का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कंवर जी ने कहा कि वह पेशवा के लिए ही यह सब कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों का टीम बनाकर कंवर जी उनका नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों तथा होलकर प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए थे। 27 सितंबर सन 1858 के पत्र में गवर्नर जनरल के एजेंट ने मेजर कीटिंग को लिखा कि वैसे तो राजाओं और जागीरदारों से कहा जा सकता है कि वे विद्रोहियों का सख्ती से दमन करें, लेकिन हाल के विद्रोहियों ने तो हमारी खुद के सेना के भारतीय सिपाहियों को उकसाया है, जिससे कि अब उन भारतीय जवानों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। अतः हमारे लिए अब आवश्यक हो गया है कि शक्ति से आगे बढ़े और हमें चाहिए कि हम भारतीय राजाओं के फोर्स की कमान भी खुद संभालें। इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल के एजेंट ने मेजर कीटिंग के पास रिसालदार फरज अली को भोपाल कंटिंजेंट के 30 सवारों सहित इंदौर से भेजा।
इसके अलावा होलकर राजा ने स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए दिलशेर खां कुमेदान के साथ इस काम के लिए 200 सवार, पलटन की एक टुकड़ी और हाथियों पर छोटी तोपें भेजी। पलसनेर से कुर्रमपुर तक मार्ग सुनसान हो गया था। अनहोनी की आशंका से गांव वाले अपने अपने घर खाली कर चले गए थे। सरकारी कर्मचारी भी जो डाकघर, ट्रांजिट ट्रेन तथा पुलिस में काम करते थे वे सभी भाग गए थे। यह सब लोग सेंधवा, पलसनेर और कुर्रमपुर जाकर शरण लिए थे। जुलवानिया में अंग्रेजों का जमादार अपने साथ 30 से भी कम सवार होने के कारण अपने स्थान पर डटा नहीं रह सका और विद्रोहियों से हारकर जान बचाकर कुर्रमपुर भाग गया। मेजर कीटिंग को 30 सितंबर की रात को यह समाचार मिला तो वह 50 सवारों के साथ जुलवानिया के लिए चल दिया। कंवर जी और उनके साथी स्वतंत्रता संग्राम विद्रोही इस समय 2-3 हजार रहे होंगे। 30 सितंबर को उन्होंने सवेरे 7 बजे पहाड़ी को छोड़कर राजपुर जाने के लिए राजमार्ग को पा लिया। उन्होंने हथियार और गोला बारूद के लिए अंग्रेजों की राजपुर पुलिस चौकी को लूटने का प्लान बनाया। नंगलवाड़ी से राजपुर के लिए जाने वाला मार्ग आगरा रोड को बालसमुंद चौकी के पास क्रॉस करता है। कंवर जी को कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की राजपुर चौकी को लूटने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने बालसमुंद चौकी को लूट लिया तथा जामुनी चौकी को लूटकर जला दिया। आगे जाने पर उन्हें अंग्रेजों के लिए जा रही अफीम से लदी कुछ बैलगाड़ियां मिली। अंग्रेज भारी मात्रा में अफीम पैदावार कर चीन और भारत में बेचते थे और यहाँ के लोगों को अफीम के लत में डालकर बर्बाद करना चाहते थे। इससे उन्हें बहुत लाभ भी मिलता था। कंवर जी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें घेर कर लगभग 10 मन यानी 400 किलो अफीम को लूटकर जला दिया और बीजागर पहाड़ी की ओर चले गए। वीर सीताराम कंवर जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये इनाम की भी घोषणा की थी। उस समय यह रकम बहुत ही ज्यादा थी। इंदौर के पास अकबरपुर इलाके में भी कंवर जी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया था, इसलिए अंग्रेजी मेजर कीटिंग ने रिसालदार फरजंद अली को 30 सवारों के साथ खरगोन जिले के मंडलेश्वर से अकबरपुर भेजा। फरजंद अली 6 अक्टूबर सन 1858 को अकबरपुर आ पहुंचा। अंग्रेजों का डाक और टेलीग्राम सिस्टम बहुत मजबूत था, इससे ही उन्हें खबरें बहुत जल्दी मिल जाती थी और वे अपने सेना को यहां से वहां जल्द ही भेज देते थे। कंवर जी को यह पता था कि डाक और टेलीग्राम सिस्टम के रहते स्वतंत्रता की लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के टेलीग्राम सिस्टम के तार काट दिए। फरजंद अली जब वहां पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि तार कटने से दक्षिण के लिए टेलीग्राम तारों का आना जाना बंद हो गया है। इधर रात को कंवर जी और उनके साथी विद्रोही पहाड़ी से नीचे रास्ते पर उतर आए और नीचे आते ही उन्होंने अंग्रेजों की 2 पुलिस चौकियां नष्ट कर दी, डाकघर नष्ट कर दिया तथा डाकघर के घोड़ों को अपने दल में शामिल कर लिए। 8 अक्टूबर सन 1858 को कैप्टन कीटिंग जुलवानिया से चलकर पुंडाली आया। वहां उसे गुप्तचरों से खबर मिला कि कंवर जी पिछली रात को ही पहाड़ी छोड़कर बरुद गांव में अंग्रेजों के पुलिस चौकी को लूटने के लिए चले गए हैं, इसलिए कीटिंग ने कंवर जी और उनके साथियों के घेराव के लिए बहुत बड़ी सेना की व्यवस्था की। उसने रिसालदार फरजंद अली के अधीन 27 सिख सवार, जमादार रोशन खां के अधीन निमाड़ पुलिस के 13 सवार, कुमेदान दिलशेर खां के अधीन होलकर के 60 सवार और मेजर कीटिंग के साथ 6 सशस्त्र अधिकारी रखे, परंतु कंवर जी उनके अनुमान से कहीं तेज गुरिल्ला लड़ाकू निकले, अंग्रेजों के पुलिस चौकी को तबाह कर निकल गए और अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगा। वहां वीर सीताराम कंवर जी के न मिलने के कारण अंग्रेजों की सेना 8 अक्टूबर को बुड़वाली की ओर गई, क्योंकि अनुमान यह था कि कंवर जी का दल बरुद में अंग्रेजों की पुलिस चौकी लूटकर यहीं से गुजरेगा। यहां होलकर रियासत का सेनाधिकारी बख्शी खुमान सिंह भी 50 सवारों, 150 बंदूकधारियों और 2-3 तोपों के साथ कीटिंग से आ मिला। इससे उनकी सेना और बड़ी हो गई। मार्ग में अचानक उन्हें कुछ विद्रोही मिले।
पूरे फोर्स को देखकर वे निकलने की कोशिश किए, किंतु इनमें से दो विद्रोही पकड़े गए। पकड़े गए विद्रोहियों से अंग्रेजों को मालूम हुआ कि विद्रोही रघुनाथ सिंह मंदलोई बीजागढ़ के किले में है और वीर सीताराम कंवर जी अनाज तथा पीतल के बर्तन से लदी बैलगाड़ियों को अपने साथी विद्रोहियों के खाने पीने के लिए उनके ठहरने के स्थान पर ले जा रहे हैं। मेजर कीटिंग की फोर्स अब और आगे बढ़ी। बरुद से बीजागढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर बुड़वाली गांव आया। वहां पर विद्रोहियों के पिछले भाग के कुछ व्यक्तियों को देखा गया जो कि सामान ले जा रहे थे। ब्रिटिश फोर्स ने इन्हें घेरा तो इन व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया, कुछ पकड़े भी गए और कुछ भागने में सफल हो गए। कंवर जी के साथ जा रहे बैलगाड़ियों के पहियों के चिन्हों के आधार पर ब्रिटिश फोर्स और आगे बढ़ती गई। अंग्रेजी सेना को ऊंचे पठार तथा घनघोर जंगल से गुजरना पड़ा। अंततः फोर्स ने रसद से भरी बैलगाड़ियों को पा लिया। पहाड़ का चढ़ाव ऊंचा था और ऊपर एक चौरस पहाड़ी मैदान था जिस पर बीजागढ़ का किला दिखा। जिस मार्ग से फोर्स किले की ओर जा रही थी वह मार्ग आगे चलकर मुड़ जाता है और फोर्स को इसी मार्ग से चलना पड़ा। यहां पर ब्रिटिश फोर्स का कंवर जी के साथी विद्रोहियों के दल से बंड नामक स्थान पर आमना सामना हुआ। विद्रोहियों में कुछ सवार थे और कुछ पैदल भी। वे इस समय अपने साथियों के लिए रसद का सामान की व्यवस्था करने में व्यस्त थे और लड़ने की स्थिति में नहीं थे, जबकि वहां एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। अब अंग्रेजों ने स्थिति को भांपकर तुरंत ही उन पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से बंदूकें, तलवार और फरसा चले। अंततः इस लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्रोहियों को हार का सामना करना पड़ा। विद्रोहियों को नुकसान भी उठाना पड़ा और उनमें से कई लोग जंगल की ओर भागकर निकलने में सफल रहे। इस मुठभेड़ में 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्रोही शहीद हुए। कुछ जानकारी के अनुसार इन शहीदों में वीर सीताराम कंवर तथा हवलदार ज्वाला भी थे। यह भी कहा जाता है कि इस मुठभेड़ में स्वतंत्रता सेनानी जीताब नाना भी शहीद हुए। वहीं एक दूसरी जानकारी के अनुसार वीर सीताराम कंवर जी के शहादत के बारे में गवर्नर जनरल के एजेंट के 10 अक्टूबर सन 1858 के पत्र से प्रतीत होता है कि वीर कंवर जी अपने पड़ाव में रसद की व्यवस्था करने के बाद अपने पड़ाव से कुछ दूर 10-12 साथियों के साथ फारिग होने गए हुए थे। जब मेजर कीटिंग को इस बात की खबर लगी तो वह फौरन ही मौके का फायदा उठाकर कंवर जी का पीछा किया। वह अपने तथा होलकर के कुछ सवारों की सेना को लेकर वहां आ पहुंचा जहां कंवर जी फारिग के लिए गए थे। उन पर कीटिंग की फोर्स ने एकाएक हमला बोल दिया। कम विद्रोहियों के होने के बावजूद भी बहुत देर तक लड़ाई चली। अंततः इस मुठभेड़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्रोहियों को हार का सामना करना पड़ा। वीर सीताराम कंवर जी तथा अन्य 12 विद्रोही शहीद हुए। पत्र में यह भी उल्लेख है कि शहीद कंवर जी का सिर कैंप में लाया गया जहां उनकी पहचान कर ली गई। वीर सीताराम कंवर जी के शहादत के बाद उनके 78 साथी भी पकड़े गए जिनमें पुट्टा सिंह और चाद खां भी शामिल थे। इन सबको फांसी की सजा दे दी गई। कंवर जी के साथ विद्रोह करने के अपराध में जितने भी अन्य लोग बंदी बनाए गए थे उन्हें बाद में इंदौर से मुक्त कर दिया गया। बाद में वकील के जरिए उन लोगों को भी मुक्त करने की कोशिश भी की गई जो मंडलेश्वर में कैद थे। वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर सीताराम कंवर जी ने यह लड़ाई कोई राजपाट पाने के लिए नहीं किया, न ही उन्होंने धन दौलत या पद पाने के लिए यह किया। यदि वह अन्य राजाओं और जमींदारों की तरह अंग्रेजों से मिल जाते तो शायद उन्हें ज्यादा राजपाट और धन दौलत मिलता, लेकिन कंवर जी ने यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए किया और अंग्रेजों के सामने झुककर अपने जमीर से समझौता नहीं किया। अंग्रेजों जैसे बड़ी शक्तियों से स्वतंत्रता की लड़ाई के तैयार होते नीव में उन्होंने अपना लहू तक देकर योगदान दिया। कंवर आदिवासी हमेशा से नियमबद्ध लेकिन स्वतंत्रता पसंद रहे हैं। अपने जमीर तथा स्वच्छंद होकर जीवन जीने की स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं करते। जियो और जीने दो विचारधारा के जरूर हैं।
लेकिन अत्याचार होने पर अपने लोगों के हक के लिए हथियार उठाने में कभी पीछे नहीं रहते। आवश्यकता पड़ने पर अपना लहू देकर इस जमीन की मर्यादा को सींचते हैं। ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर सीताराम कंवर जी को हमारा शत शत नमन है।